Hey everyone, this is me Pratima Chauhan and welcome to my channel. Hope you all are doing great. I'm also doing well. So सुबह के बजने वाले हैं 10:20. So मैं रेडी हो गई हूँ और आज मौसम बाहर हल्की हल्की ठंड है. So मैंने अभी स्वेट शर्ट पहन लिया. मैंने सोचा कि ठंडा लग जाए. So अब मैं निकल रही हूँ कैफे, जो कि मेरा डेली का रूटीन हो चुका है. एंड आज मेरी आईज मैंने स्वेलिंग हुई है, पता नहीं क्यों. So चलते हैं कैफे, मिलते हैं कैफे में. 12 बजने वाले हैं. आज सुबह आते ही मैंने सफाई करने लगी, फिर यहाँ पे कस्टमर आ गए थे. कस्टमर मतलब कि वो दोनों हिमाचल से, एक शिमला से एक मंडी से हैं, तो हमारे वो फ्रेंड्स बन गई है शैली और आकांक्षा. सो चाय बनाई हमने, गप्पे मारी, उसके बाद मैंने सफाई करी और फिर भैया भी आ गए थे. अभी परांठे का ऑर्डर आया था, वो दे दिया है. और हवा चल रही है आजकल, सफाई जितनी मर्जी करो वैसे गंद हो जाता है. अभी देखना, मैंने सफाई कर ली है, सारा कुछ साफ कर लिया. थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगी कितना गंद हो जाता है. अभी कड़क धूप है. मैं अभी जाती हूँ जूस लेने. मेरा जूस आ गया है, अब मैं छीलूंगी अनार, फिर खाऊंगी अनार और ब्रेकफास्ट देखते हैं करना है या नहीं. मैंने पोमग्रेनेट छील दिए हैं और भैया बना रहे अंदर परांठे. मैं सोच रही हूँ परांठा खा ही लेती हूँ, जूस मेरा फिनिश होने वाला है. सो अभी कुछ काम है नहीं, तो मैंने ये नॉवल ऑर्डर करा था, वो आ गई है. अब मैं कर लेती हूँ उसको स्टार्ट, पढ़ते हैं. दिन के बजने वाले 2:30 और मैं आ गई हूँ घर. इतनी तेज धूप है ना, मैं स्वेटर पहन के गई थी, इतनी गर्मी लगी मुझे, इतनी गर्मी लगी मुझे, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं. धूप देख लो गाइस. तो मैं घर पहुंच गई हूं, अब मैं नहाऊंगी, उसके बाद मैं कुछ बनाऊंगी खाने के लिए. भूख तो नहीं लगी है, बट मैं 3:30 तक लंच कर लूंगी. तो मैं अभी सोच ही रही हूँ कि मैंने क्या बनाना है, और फिर अभी सफाई कर लेती हूँ रूम की फटाफट से, और शाम के टाइम ही जाऊंगी, बिकॉज अभी मार्केट में रश भी नहीं होता, तो शाम के टाइम ही रश होता है. तो तब तक मैं अपने काम भी कर लेती हूँ, थोड़ा सा रेस्ट भी कर लेती हूँ. एक और अपडेट आप लोगों को देनी है. आपको मेरा बर्थडे याद होगा, अगर आपने मेरा व्लॉग देखा है तो मेरे बर्थडे पे ना सारिका भाभी और नितिन भी और परश आए थे. वो बहुत अमेजिंग गाते हैं, और तो गुन्नू के बर्थडे पे वो कल नहीं आ पाए, तो वो आज जा रहे हैं, और वो लोग मुझे इतने पसंद है मैं आपको बता नहीं पा रही हूँ. सो उन लोगों से भी मिलवाऊंगी, और सारिका भाभी हमारे लिए कुछ यम्मी यम्मी लेके आने वाले हैं अपने हाथों से बना के, बिकॉज जब मेरा बर्थडे था तो वो हमारे लिए लेके आए थे साग, और साग इतना डिलीशियस था ना, मैं आपको क्या ही बताऊं. सो फटाफट चलते हैं कैफे. सो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सारिका भाभी और हाय परज भैया वहाँ पे कॉल पे हैं, और भाभी परज एंड इनका नाम क्या है, राघवी. राघवी, ओह राघवी भी हैं. हाय राघवी. हाँ गुन्नू भी है, एंड भाभी हमारे लिए लेके आए प्रीटी प्रीटी एक्साइटमेंट. सी ये हमारी फर्स्ट पिक्चर है, जब भाभी पहली बार हमारे कैफे आए थे ना. और अब मिलाती हूँ भैया से, कहते कि भैया भाभी एंड परज आने वाले हैं, तो मेरे व्यूअर्स को हेलो करो सारे. हेलो, हेलो टू ऑल. कैसे आप लोग, कैसे लग रहा है आके? मिस कर रहे थे हम आपको. हम भी और हमारे लिए बहुत डिलीशियस डिलीशियस खाना लेके आए. डिलीशियस पता नहीं है, नहीं डिलीशियस होगा. आपका साग पता कितना टेस्टी था, बहुत यम्मी, बहुत यम्मी. और फिर मुझे इतना फील हुआ, मैंने बोला मैंने कुछ चपाती वगैरह भी नहीं बनाई. नहीं चपाती हम बना लेते हैं, साग आता नहीं है बनाना, चपाती बना लेते हैं. सारी कब भाभी लेके आए हैं ये खाना, देख चिंक इधर क्या क्या. कड़ी खेत स्पेशली तुम्हारे लिए उसका वो किया मैं, तड़का साग.
ओ राइस भी लेके आए, पानी आएगा मुंह में देख राइस में। मैं वेट कर रही जल्दी वो बोले और भी लेके आए कुछ। हाय रोटी ला यार बेचारे। हाय 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 भाभी क्या ला ले, खा लेंगे हम दोनों। बहुत ही यम्मी बनाया था। और बताओ भैया कुछ कुछ तो बताओ, व्यूअर्स को बताओ कुछ। व्यूअर्स को तो मैं क्या बताऊँ, मतलब आई लव दिस प्लेस। और जब भी मौका मिलता है, मतलब टाइम मिलता है, वी डिसाइड कि हमने फैमिली के साथ जाना ही है। हम यहाँ से जाते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि अगली बार। अब देखो हमारे कोई बर्थडे नहीं आने वाले, अब आप लोगों के जब बर्थडे आएंगे कब कब है भैया का? अच्छा जान में, ओके कोई बात नहीं, हाँ यहाँ पे करेंगे हम। सच में यही सोच रहे हैं कि हम ये प्लान करते हैं कि अब नेक्स्ट वाला विजिट कब होएगा। दिस इज द बेस्ट प्लेस, हमने सब बहुत एंजॉय करते हैं और आपकी कंपनी हमें सच में बहुत अच्छा। हमें भी हमें इतना मजा आता ना, कहीं ना किसी तरह से कि हम कभी फैमिली हम रहता था पहले से फैमिली थे। हां हां मैं वही कह रही हूं, कुछ लोग लाइफ में और हम सच में बहुत यहां के एंजॉय करते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग एंड बहुत अच्छा लगता आप लोगों से मिलके। थैंक यू पूरे बिट में मैं खाई रहा। अगर आपको अपने जो मेरे दिल से निकले हुए जो रिव्यूज है वो बता रही हूँ ना, ये सब कुछ जांच परख आके करें ना। हाँ राइट, एक बार तो आना बनता है सबका वैसे ना। पहले पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास फिर अपने आप रिव्यू दीजिए। एग्जैक्टली। भैया भाभी जा रहे हैं, बाय बाय। मैं बस 20 वीक पे हूं, बट अगले वीक फिर मुझे। अच्छा मैं आऊंगा फिर वीडियो मंडे को जाऊंगा, मतलब फिर शुक्रवार शनिवार ऐसे। आपको छोड़ने का मन ही नहीं करता इस वक्त। रात के बज गए हैं 10:15, भाभी और भैया चले गए हैं पर जनरल, तो मैं यहाँ तक आई थी उनको छोड़ने। अब मैं अभी जा रही हूँ कैफे में बैठे थे कस्टमर, तो मैंने सोचा कि मैं ही चले जाती हूँ। गुनू वहाँ पे बैठी थी और इनसे मिलके इतना अच्छा लगता ना, हमेशा हमेशा फैमिली की तरह पूरी। रात के बज रहे हैं 12:15 एंड मैं बना रही चाय, गुन्नू ने बनाया पिज्जा बिकॉज भैया चले जाते 11 बजे, और बर्तन धो लिए गुन्नू ने एंड चाय बना के पिज्जा का ऑर्डर देके फिर हम जाएंगे घर। सो ये फोन रख दिया मैंने इसके ऊपर, मेरा फोन फूक जाना इसके ऊपर रख दिया फोन। ताता हो जाना, फोन ताता हो जाना, फुकी जाना फुकी जाना फुकी जाना सारी रात में लाइया का तेनू की अंदाजा मेरे दिल पे कुत्ता सा हम घूमे गए यहाँ पे देख रहा। रात के बज गए हैं 12:15, मैं जस्ट अभी घर पहुंची हूँ और खाना तो आज खा लिया था सारी का, भाभी ने इतना टेस्टी खाना लाया था हमारे लिए। सो अभी मैं सिर्फ नहाऊंगी और सो जाऊंगी। सो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलता है कल एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय।